हेलो गाइस, मैं हूं सचिन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होगे गाइस। गाइस, क्या आपने सोचो कभी जो सबमरीन होती है समुद्र के अंदर चलती है कि वो ऊपर का नज़ारा कैसे देखती है, उसके पास क्या ऐसी चीज़ होती है? तो आज के पास हम लोगों के बहुत अनेकों टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे कि हम लोग ऊपर कैमरे भेज के वो गोल गोल घूम के पूरी तस्वीर भेज देता, पूरी पिक्चर्स भेज देता, जो कुछ ऊपर होता है। मगर गाइस, जब हम लोग के पास कुछ नहीं था, जब टेक्नोलॉजीज ही नहीं थी, हम लोग जानते ही नहीं थे कि ऊपर क्या हो रहा है, जब समरी अंदर चलती थी 300-300 फुट नीचे और ऊपर का नज़ारा क्या होता था कुछ नहीं पता होता, तो इससे हम लोग एक ऐसे डिवाइस बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल पेरिस्कोप। वो ऐसे बनता है जो मिरर्स होते हैं अपने पास, उससे हम लोग एक ऐसी असेंबलिंग करते थे जिससे कि ऊपर की चीज़ आराम से नीचे हम लोग देख पाते थे। तो आज हम लोग वही बनाने जा रहे हैं, एक ऑप्टिकल पेरिस्कोप, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्कोप। मगर जो आज के पेरिस्कोप उसको पेरिस्कोप कहते हैं, मगर जो ऑप्टिकल पेरिस्कोप होते हैं जो कि पहले ज़माने में बनते थे, वही आज हम लोग बना रहे हैं बहुत सिंपल वे में और सिंपल ऑप्टिकल पेरिस्कोप। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कर दूँ, प्लीज़ यार वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा लो यार, और सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कमाल वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ले लिया है कार्डबोर्ड। अब हम लोग इस पर करेंगे पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे उसकी कटिंग और मेजरमेंट आपको दिखा देंगे जब हम लोग करेंगे। तो चलिए इसकी करते हैं कटिंग। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हम लोग ने पेरिस्कोप के लिए। इसकी मेजरमेंट आपको शो हो रही होगी। तो अब इसको हम लोग कटिंग करते हैं और फिर इसको हम लोग, इसके एक दो पल्ले चाहिए, मतलब एक ऐसा एक और ऐसा, फिर उसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे और आगे की वीडियो आप देखते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग पहले उसको कटिंग करते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया, उसको कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर काट लिया, एक पेरिस्कोप का और एक ये रखा। आप लोग देख सकते हैं ये दो है, ये दोनों हैं। अब इनके लिए एक ऐसी दो चाहिए, एक ये दो चाहिए और एक इस पे दो, एक इस पे दो, ये दो चाहिए। उसके बाद हम लोग फिर इसको ऐसे फिक्स करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इस टाइप में। और फिक्स करने के बाद इस पे मिरर लगाएंगे और एक इस टाइप पे। तो चलिए फटाक से हम लोग काटते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग लिए साइड के जो कार्डबोर्ड्स लगेंगे उसके लिए हम लोग इतना सफिशिएंट है बहुत कार्डबोर्ड। चलिए इस पर मेजरिंग लेते हैं पहले उसकी। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने दोनों पे ले लिए अपनी वो। अब हम लोग इसको कटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पूरी कटिंग्स कर ली हैं। जो ये दो हैं यहाँ पे लगेंगे, और जो ये दो हैं, ये दो ये यहाँ पे लगेंगे, और ये जो दो हैं ये यहाँ पे लगेंगे, ऐसे फिट होंगे। तो चलिए हम लोग फटाक से इसको फिट करते हैं, और ग्लू का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग और फेविक्विक का भी, जिससे जो जल्दी चिपक जाए और जल्दी फिट हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देख सकते हैं, ये है हम लोगों का पेरिस्कोप। अभी इसको कलरफुल करना बाकी है, इस पर मिरर लगाना बाकी है, उसको आउट कवर करना बाकी है, बहुत चीज़ें बाकी हैं, मगर बन बहुत अच्छा रहा है। तो चलिए पहले अब इस पर हम लोग मिरर फिट करेंगे, फिर उसके बाद इसको कवर करेंगे, फिर इसके बाद डेकोरेट करेंगे। तो चलिए फटाक से पहले इस पर मिरर लगाते हैं। मिरर तो देख सकते हैं, ये दो मिरर लिए हम लोगों ने, ये दो हैं। 45 डिग्री पे लगाना है, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये देखिए, हम लोगों ने इसीलिए लाइन खींच ली इस पर, ये देख रहे होंगे लाइन जो अंदर दिख रही है, दो लाइंस। तो इस पर ऐसे मिरर लगेगा, ये लगा ये, और एक इस टाइप पे लगेगा ये। दोस्तों देख ही लिया आप लोग। तो चलिए फटाफट से मिरर लगाते हैं। तो हम लोगों ने फेविकोल का इस्तेमाल किया, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी लाइन पर हम लोग फेविकोल लगा रहे हैं। और हम लोग थोड़ा सा फेविक्विक का भी इस्तेमाल करेंगे, जो ऊपर ये देख रहे हैं यहाँ से भी थोड़ा सा हो जाए पेस्ट। पेस्ट हो गया। चलिए ऐसे ही सेम वे में इसको फिट करना है सेकंड ग्लास को। जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं ये सही फिट हुआ है कि नहीं। इसको मैंने यहाँ पे रखा और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि फ़िट है कि नहीं। दोस्तों ये फिट हो चुका है बढ़िया से, और फिर देख लेते हैं। यस गाइस, बढ़िया से फिट हो चुका है। और अब ये देख सकते हैं जो आप लोगों ने कटिंग की है, इसको इस तरीके से, जो ये गाइस थोड़ा सा मैं भूल गया था,
इसकी कटिंग मैंने कर दी, तो इसलिए मैंने ये कटिंग कर दिया। तो फिस्टी अब ये इस तरह के बन जाएगा। इसको कर देते हैं पेस्ट जल्दी से, फिर इसके बाद करेंगे डेकोरेट। और हम लोगों को पेरिस्कोप बन चुका है, तो यार पेरिस्कोप बन गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक के लिए बटन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब ना क्यों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कमाल वीडियोज़ पाने के लिए। चलिए इसको पेस्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसी पे ग्लू लगाते हैं। चलिए इसको हम लोग ऐसे पेस्ट करते हैं, इसको हटाते हैं अभी। और इसको भी इसी तरीके से पेस्ट कर देते हैं हम लोग। ये पेस्ट हो चुका है गाइस, और इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं कि जिससे कि ये जल्दी से अच्छे से पेस्ट हो जाए। प्रेस पड़ेगा और फिक्स पोजीशन पे आ जाएगा अपनी, ये देख सकते हैं। और जितनी ये कटिंग दिख रही है आपको, ये देख सकते हैं, इसको हम लोग कट कर देंगे, ये दिख रहा होगा। तो चलिए पेस्ट होता है, हमने इसको पेस्ट कर लिया एकदम टेप लगा के एकदम परफेक्ट, कि कहीं से भी हटे ना ये, क्योंकि अब इतनी जल्दी सूख नहीं पाएगा। तो और ये देख सकते हैं, हम लोगों ने लिया ये ब्लू चार्ट, इसको इस पर कवर करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने कटिंग्स कर ली हैं। इसको इस पर पेस्ट करेंगे, इसको इसके नीचे पेस्ट करेंगे ऐसे, और ये जो हैं ये साइड में पेस्ट होंगे, और इसकी कटिंग करके आधी एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। तो चलिए उसको जल्दी से पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का पेरिस्कोप बन चुका है फाइनली। आप लोग देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से कमाल कर रहा है, काम कर रहा है मतलब कि, और बढ़िया कमाल बना भी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कुछ पेरिस्कोप है। हम लोगों ने दोनों तरफ अपने चैनल का नाम दिया है मिस्टर साइंस टेस्टा। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो जल्द से जल्द कर ले सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए उसको टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिरर है और एक यहाँ पर, ये डिज़ाइन है कुछ इस पेरिस्कोप की। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इस पे। जो मिरर आपको दिख रहा होगा उसमें मेरी फिंगर आ रही होंगी, दिख रहा है आपको गाइस, ये फिंगर्स होंगी मेरी। और फिंगर्स हैं कहाँ पर दिखाइए थोड़ा, ये है जो मैंने यहाँ फिंगर लगाऊँ, आप देख कहाँ ना यहाँ पर देख रहे हैं, और मेरी फिंगर्स कहाँ पर ये देखिए मैं नीचे लगाऊँ। तो यही काम करता है ऑप्टिकल पेरिस्कोप सबमरीन में, पहले ज़माने में काम करता था। सबमरीन मान लीजिए आप, ये है और समुद्र ये इतनी ऊँचाई पर, और जो इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है और मैंने इमेज रखी कहाँ पर, ऑब्जेक्ट ये है मेरा। तो ये देख सकते हैं आप लोग काम करता है ये ऑप्टिकल पेरिस्कोप। चलिए एक और दिखाते हैं आपको कि ये मेरे पास है, ये देखिए गम की बॉटल है, फेविकोल। अब मैं इसको रख रहा हूँ इस पर, तो आपको देखा इमेज दिख रही होगी ऊपर, आपको तस्वीर दिख रही होगी इसकी। और मैंने रखा कहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने रखा, और ये ऑप्टिकल पेरिस्कोप कितने ऊपर है ये देख सकते हैं। तो ये काम करता है ऑप्टिकल पेरिस्कोप गाइस भी। अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक के लिए बटन दबाइए। चलिए एक और तरीके से टेस्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ये पॉट लिया, आप लोग देख रहे हैं, तो इसको दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए मैंने इसको ऐसे लगाया, आप देख सकते हैं कि इमेज आपको यहाँ पर दिखेगी मगर पॉट रखा इतने ऊपर है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि सबमरीन में कैसे देखा जाता है। चलिए दिखाइए, जो देख रहे होंगे इस पे मिरर इमेज आ रही होगी आपकी पॉट की। ब्रिटिश पेंट लिखा है, मास्टर ब्लास्टर इंटीरियर इल्यूजन, देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये काम करता है हम लोगों का ऑप्टिकल पेरिस्कोप। तो आज की वीडियो में तो यही हम लोगों ने बनाया, आपको अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, और सब्सक्राइब ना किया हो जिसने तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। तो आज की वीडियो में यही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।